हेलो हेलो, इस वीडियो में सर हम आपको दिखाएंगे कि जो हमने रेडीमेड गारमेंट का जो मॉड्यूल डिज़ाइन किया है टैली प्राइम के अंदर, तो उसमें किस तरह से सेल्स की एंट्री होती है। तो जैसे मैं वाउचर्स में गया, F8 सेल्स वाउचर ओपन है मेरा, और यहाँ पे मैंने कस्टमर सिलेक्ट किया। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैं नेम ऑफ आइटम पे आता हूँ, यहाँ पे मैं डिज़ाइन नंबर टाइप करूँगा, मेरा गोडाउन सिलेक्ट किया, यहाँ पे तुरंत मुझे वो साइज वाइज और कलर वाइज या पैटर्न वाइज कितना कितना स्टॉक है वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे खाली मेरा साइज सिलेक्ट करना है 38, क्वांटिटी लिखना है 20, 40, 20, 42, 20। अब मैं दूसरा साइज सिलेक्ट कर रहा हूँ 4502, एंटर। यहाँ पे मुझे उसने डिस्प्ले कर दिया 38 40 42 में 13 नंबर के शेड में 100 100 100 पीस स्टॉक अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे लिखा 38 20 40 20 42 20। तीसरा साइज ले रहा हूँ 6501, एंटर। स्टॉक डिस्प्ले हो गया। ओके, साइज लिखा 38 10 40 10 42 10। ये रेट वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आइटम मास्टर में आप साइज वाइज MRP फिक्स कर सकते हो, डिस्काउंट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, पार्टी वाइज आप डिस्काउंट फिक्स कर सकते हो, सेट कर सकते हो। एंटर करके मैंने इसको सेव कर दिया। इसमें से आपको इस फॉर्मेट में पैकिंग पैकिंग लिस्ट आपको प्रिंट में प्रिंट आउट मिलेगा पैकिंग लिस्ट का। मैं दिखा देता हूँ आपको प्रीव्यू। तो इस फॉर्मेट में आपका पैकिंग लिस्ट भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। साइज आ जाएगा डिज़ाइन नंबर, यहाँ ऊपर सब साइज है, मीडियम, लार्ज, XL, डबल XL, ट्रिपल XL या 30 40 42 44 46। यहाँ पे इसके जो भी शेड नंबर या पैटर्न नंबर प्रिंट हो जाएंगे, यहाँ पे क्वांटिटी प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे नीचे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी वगैरह प्रिंट हो जाएगी। तो इस फॉर्मेट में आपका पैकिंग लिस्ट निकलेगा, और जो डिफ़ॉल्ट टैली के फॉर्मेट में इनवॉइस निकलता है, सेम वैसा ही आपका इनवॉइस भी प्रिंट होगा। दोनों फॉर्मेट प्री प्रिंटेड लेटर हेड पे डिज़ाइन किए गए हैं, यानी आपके स्टेशनरी आप प्रिंट करवा लोगे जिसका टॉप एरिया 1 इंच या 1.5 इंच में आपने प्रिंट करवाया होगा, जिसमें आपका कंपनी का नाम, लोगो वगैरह होगा, उसके नीचे ये टैली में से प्रिंट होगा। थैंक यू वेरी मच सर।